ओके, टाइमिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी वीडियो को वायरल करने में। बट अब आप कहोगे कि अरे ब्रो, टाइमिंग वीडियो को वायरल करने में इम्पोर्टेंट रोल कैसे प्ले कर सकता है? हम अपनी वीडियो कभी भी अपलोड करें वो तो हमारी ऑडियंस के पास तो जाएगा ही ना। हाँ, बट मैंने कब कहा कि आपकी वीडियोस आपके ऑडियंस के पास नहीं जाएगी? बट सारी वीडियोस नहीं। अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए तो आप अपनी ऑडियंस से पूछना, क्या उनको आपके यूट्यूब वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता है? आई गारंटेड कि आपकी 40-50% ऑडियंस का जवाब होगा नहीं। और जो इसका मेजर रीजन है वो है आपकी रॉन्ग टाइमिंग। अब अगर आपकी वीडियोस आपके ऑडियंस के पास नहीं जाएगी तो स्टार्टिंग में व्यूज ही नहीं आएंगे, और फिर 5-6 घंटों की मेहनत से बनी एक वीडियो एक रॉन्ग टाइमिंग के कारण वेस्ट हो जाएगी। तो अगर आपको ऐसा नहीं करना तो वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक ऐसा बोनस टिप दूंगा जिसमें यूट्यूब आपको खुद बताएगा कि अपनी वीडियो किस टाइम आप पब्लिश करो। तो चलिए धूम मचाते हैं। टिप नंबर 1, एक यूनिक टाइमिंग। यूनिक टाइम, आप जब कभी भी अपने वीडियो को पब्लिक करने के बारे में सोचते हो तो आपके माइंड में जो टाइम आता है वो एक राउंड ऑफ टाइम होता है, जैसे कि 9 o'clock, 10 o'clock, 10:30, जो कि एक बहुत कॉमन टाइम है और लगभग सभी बिगनर यूट्यूबर्स इसी का यूज करते हैं, और आप भी करते होगे तो बंद कर दो। अगर आप भी ऐसा करोगे तो कोई डिफरेंस नहीं रहेगा आप में और दूसरों में, और आपकी वीडियो इसी कारण बैठ जाती है, मतलब उसका CTR गिर जाता है। तो इस चीज से बचने के लिए आपको चाहिए एक यूनिक टाइम जो दूसरों से अलग हो। लेकिन वो यूनिक टाइमिंग क्या हो सकती है? बट आप कहोगे टाइम तो टाइम होता है, कोई सा भी टाइम हो, बट ब्रो एक यूनिक टाइम ही होता है, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम होता है जिस समय यूट्यूब पर ज्यादातर वीडियो अपलोड नहीं हो रहे होते हैं और आपकी वीडियोस का नोटिफिकेशन जाने का चांस बहुत इंक्रीज हो जाता है। आप कभी नोटिस करना, आपने जितने भी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा उन सभी का नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आता होगा, क्योंकि अगर YouTube सभी का नोटिफिकेशन आपको भेजने लगा तो आप YouTube के नोटिफिकेशन से तंग आकर उसी का नोटिफिकेशन बंद कर दोगे, जो कि YouTube कभी नहीं चाहेगा। यार वो हमसे 5 कदम आगे ही रहता है और अपनी सेफ्टी भी अपने साथ लेके चलता है। तो गाइस, आपका जो यूनिक टाइमिंग है वो हो सकती है 1:44 PM, 2:44 PM, ये 1, 2, 3 कॉमन नहीं है। जो इसमें यूनिक है वो है 44, 33, क्योंकि देखो जब भी आप वीडियो अपलोड करोगे आप एक राउंड ऑफ टाइम चूज करोगे। 4 बजे अपलोड करूंगा, शाम के 5 बजे करूंगा, सुबह के 6 बजे करूंगा, लेकिन क्या आप कभी कोई ऐसा टाइम चूज करोगे कि दिन के 2:44 पे वीडियो अपलोड होगी, या 1:22 पे वीडियो अपलोड होगी, या शाम के 6:45 पे वीडियो अपलोड होगी? नहीं, क्योंकि आपके माइंड में ऐसी थॉट बन गई है कि राउंड ऑफ टाइम एक अच्छा टाइम होता है, उससे आपको एक पॉजिटिव वेव आती है, मतलब एक अच्छी वाली फीलिंग आती है। बट यार हर जगह अच्छी फीलिंग नहीं चाहिए हमको, अगर YouTube पे ग्रो होना है तो कुछ तो अलग करना ही होगा। तो आप ये टिप नंबर 1 ट्राई करके जरूर देखना, और अपनी वीडियोस को कभी 1:44, अगर आप 1 बजे अपलोड करते हो तो 1 बजे छोड़ के 1:22 पे करो, क्योंकि यार ज्यादातर लोग ये टाइम नहीं सोचेंगे, वो सोचेंगे 1 बजे या 1:30 सोचेंगे या 2 बजे सोचेंगे, एक राउंड ऑफ। लेकिन आप उनसे कुछ अलग करो, क्योंकि अगर उसी समय 10-20 वीडियो अपलोड होंगी एक टाइम पे तो YouTube सबका नोटिफिकेशन नहीं भेजेगा, उनमें से मात्र 5-10 वीडियो का नोटिफिकेशन जाता है। तो अगर आपको उस 5-10 में आना है तो एक यूनिक टाइम चूज करना ही होगा। चलिए मान लेते हैं कि आप कोई यूनिक टाइम चूज नहीं कर पाए, तो इसके लिए आपको इम्पोर्टेंट है टिप नंबर 2। टिप नंबर 2 में आपको यूट्यूब खुद बताएगा कि किस समय आपकी ऑडियंस यूट्यूब पे वीडियो देखती है और किस समय आपको वीडियो अपलोड करना चाहिए। तो चलिए पहले चलते हैं हम क्रिएटर स्टूडियो में, जो क्रोम पे ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप एनालिटिक में जाएंगे, देन नीचे जाएंगे, देन वहाँ पे आप देख सकते हो, देन वहाँ पे आपको एक ब्लू और वायलेट कलर का एक ग्राफ दिखेगा। आपने कई बार उसको देखा होगा लेकिन कभी ध्यान से आपने नोटिस नहीं किया होगा, बट
ये एक बहुत इम्पोर्टेंट ग्राफ है। इसमें आपको ये दिखाया जा रहा है किस टाइम पे आपकी ऑडियंस यूट्यूब पे है। अगर हम मिस्टर फाइव के चैनल की बात करें तो इसमें रात के 9 बजे जहाँ पे देखिए आप टाइम एकदम डार्क है वो टाइमिंग पे ऑडियंस लाइव रहती है। जिन्होंने हमको सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑडियंस रात के 9 बजे लाइव रहती है। तो इस टाइम अगर मैं अपनी वीडियो अपलोड करूंगा तो व्यूज आने के चांस इंक्रीज हो जाएंगे। यार इसमें कोई गलती नहीं है, आपने पहले ही कहा था कि हम वीडियो कभी भी अपलोड करें क्या फर्क पड़ता है, तो एक बार आप इस टाइम को चूज करके देखिए, क्या पता वीडियो वायरल हो जाए। तो आपको टिप्स कैसे लगे और आपका जो बोनस टिप है वो यही है, हाँ आप एक बार इन टाइमिंग पे अपनी वीडियोस को अपलोड करके देखिए। इसमें देखिए मंडे ट्यूसडे सारे दिन लिखे हैं और नीचे टाइम लिखा हुआ है 24 के फॉर्मेट में। जहाँ पे कलर ज्यादा डार्क है उस टाइम पे आपकी ऑडियंस यूट्यूब पे लाइव है और आपकी वीडियो का इंतजार कर रही है। तो देरी किस बात की, जल्दी जाइए वीडियो बनाइए और टाइमिंग को नोटिस करते हुए उस टाइम पे अपनी वीडियो को पब्लिक करिए। बट यार वीडियो तो पब्लिक कर दोगे अगर उसमें फैक्ट ही अच्छे नहीं होंगे, ना आपका कंटेंट अच्छा होगा तो देखेगा कौन। तो फैक्ट कैसे लाएं अच्छे अच्छे उसको देखने के लिए राइट वाली वीडियो क्लिक करिए। और हाँ अगर आपको ये भी जानना है कि फैक्ट टेक या ऑल ग्रो जो शॉर्ट नॉन कॉपीराइट क्लिप्स लाते हैं वो कहाँ से लाते हैं, मैं पिक्साबे की बात नहीं कर रहा हूँ, उससे भी अच्छी एक वेबसाइट है जहाँ से आप अनलिमिटेड नॉन कॉपीराइट वीडियो क्लिप्स डाउनलोड कर सकते हो। अगली वीडियो उस पे आएगी। अगर आपको वीडियो तुरंत चाहिए जल्दी कमेंट करिए, नेक्स्ट वीडियो तैयार हो रही है। तब तक के लिए फैक्ट वाली वीडियो जरूर देखना।